हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टूडियो में। आज हम जानेंगे पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं, चाहे वो आपने व्हाट्सएप से डाउनलोड की हो या फिर कैमरे से खींची हुई हो। उसके साथ साथ हम एक्शन भी कैसे बनाते हैं, जैसे हम मान लिया आप स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें बार बार 6 फोटो लगाने हैं या 10 फोटो लगाने हैं, तो उसके लिए हम साथ के साथ आपको एक्शन बनाना भी सिखाएंगे ताकि आपका काम बहुत जल्दी फास्ट हो जाए। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन दोस्तों जो पासपोर्ट से रिलेटेड सारे कंटिन्यू जितने भी इश्यू हैं, हम उसको कैसे रिकवर करेंगे देखिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फोटो को ओपन करेंगे फोटोशॉप के अंदर। तो मेरे पास ये कुछ 2 फोटो है, ये व्हाट्सएप से डाउनलोड की हमने, और ये एक हमारे जो स्टूडियो में हमने खींची हुई है। तो सबसे पहले हमें ये व्हाट्सएप से जो फोटो हमने ली है उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखिए, हमें कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी बैकग्राउंड है वो अच्छे से नहीं होती और हमने प्लेन बैकग्राउंड लगानी होती है, तो हम इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। सबसे पहले देखिए व्हाट्सएप से, मतलब फोटो बहुत ही, ये साइज बहुत छोटा है, तो सबसे पहले हम इसकी एक सिलेक्शन बनाएंगे, लेसर टूल से बनाएंगे। देखिए इधर से लेसर टूल ले लेंगे हम, जो सेंटर वाला है, उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्शन बनाएंगे। आपने भी इस तरह से सिलेक्शन बना लेनी है अच्छे से। वीडियो को थोड़ा फास्ट करूंगा ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। सिलेक्शन होने के बाद देखिए, हमने पासपोर्ट साइज फोटो जो हमारा इतना ही लेना है, तो हमने सिलेक्शन यहाँ जो ऊपर तक इतनी कर ली है। इसके बाद देखिए, हम जाए इसके अंदर फेदर देंगे, हम जाएंगे सिलेक्ट में और या मॉडिफाई में, और इसकी शॉर्टकट कमांड है दोस्तों अल्टर कंट्रोल और डी, यहाँ पे ओके करेंगे और हम यहाँ फेदर देंगे 1.2 का और ओके करेंगे। इसके बाद देखिए, हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, तो जो हमारी सिलेक्शन है वो इन्वर्स हो गई है। इसके बाद हम इसके अंदर फिल करेंगे कलर, तो हम यहाँ कलर बॉक्स पर जाएंगे या हम ले लेंगे यहाँ पे ब्लू कलर। तो देखिए ये ब्लू कलर हम ले लेंगे यहाँ से, ओके करेंगे। इसके बाद देखिए, हम अल्टर बैक स्पेस दबाएंगे। अल्टर बैक स्पेस दबाने से जो हमारा कलर है वो फिल हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद हम कंट्रोल डी करेंगे, डी सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने हमने कर तो पहले से लेनी थी इसकी करेक्शन, लेकिन अब चलो हम अब कर लेते हैं। हम कंट्रोल एल से यहाँ देखिए इस फोटो को लाइट करेंगे तकरीबन इतना, और ओके करेंगे। इसके बाद हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, इसका कलर वो सेट कर लेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद हम सिलेक्टिव कलर में जाएंगे, अल्टर आई ए एस, यहाँ से जो येलो है उसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए, हम यहाँ से क्यू मास्क में जाएंगे और बी प्रेस करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको और उल्टा क्यू फिर दबा देंगे। ये सिलेक्शन हो गई, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, कंट्रोल एल से हम इसको लाइट कर लेंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, कंट्रोल एल से लाइट करेंगे। देखिए फेस को हमने जो डार्क था वो लाइट कर लिया। इतना करने के बाद देखिए, हमने इसका एक साइज लेना होगा, तो हम जाएंगे क्रॉप टूल में, यहाँ पर हम साइज बनाएंगे 1.2 और 1.5 का, और रेसोलेशन ले लेंगे हम 300 300, और यहां से क्रॉप कर देंगे इसको। देखिए हम यहां से क्रॉप करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद देखिए, हम इसकी सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के लिए हम कंट्रोल ए करेंगे। इसके बाद हम बॉर्डर देंगे अल्टर ई एस से स्ट्रोक, और हम यहां रखेंगे इनसाइड और कलर फिल करेंगे ब्लैक, ओके करेंगे। यहाँ पर दे देंगे हम तकरीबन 4 का, ओके करेंगे। देखिए कंट्रोल डी करेंगे, इसके बाद हम कंट्रोल एस करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल एस से जो होगा हमारा फोटो जो हमारे सेव हो जाएगा सेम जगह पर। देखिए लाइट हो जाए, ओके करेंगे इसको। तो इसके बाद देखिए, ये हमारा जो फोटो था वो पासपोर्ट बनकर तैयार हो गया। इतना करने के बाद देखिए, हम इसका एक्शन क्रिएट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे, एक नया सेट क्रिएट करेंगे।
और यहां पर लिखेंगे हम पासपोर्ट फोटो एक्शन, ओके करेंगे। ये हमने एक सेट कर लिया, इसके बाद हमें एक्शन बनाएंगे, यहां पे जाएंगे और न्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे। और देखिए अब हम यहां पे क्लिक कर लेंगे, जैसे आपके पास कोई दो है तो उस पे एक्शन, तो इस जो हमने अभी बनाया है पासपोर्ट फोटो एक्शन, इस पे यहां पे क्लिक कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे हम छह फोटो का एक्शन बनाएंगे, तो छह फोटो का एक्शन हम इसके अंदर टाइप कर देंगे। और की जैसे हमने शॉर्ट की बनानी है, तो जैसे हमने बनानी है F8 पे, तो हम यहाँ पे F8 सिलेक्ट कर लेंगे और रिकॉर्ड कर देंगे। इतना करने के बाद देखिए हम इस फोटो की सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल A से सिलेक्शन ले लेंगे, कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे इसको और कंट्रोल W से इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद देखिए हम नया पेज लेंगे, कंट्रोल N से नया पेज लेंगे। अब हम यहाँ पे साइज इंक्रीज करेंगे, साइज ले लेंगे हम 8x11 ले लेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद देखिए जो हमने कॉपी किया था फोटो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए इतना करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा इसको सेट कर लेंगे और इसकी कॉपी करेंगे, 6 कॉपी करेंगे, 3 हमारी हो गई। अब 3 की डबल कर लेंगे हम, देखिए यहाँ से जो 3 कॉपी हो गई है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल ई से मर्ज कर लेंगे। देखिए ऐसे इसी तरह हम फिर दोबारा शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे, अभी हमारी एक लेयर हो गई है। कंट्रोल टी से हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों 6 फोटो की जो हमारी एक्शन है वो बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप कर देंगे ऐसे, तो जो 6 फोटो की हमारी है एक्शन है वो बनकर तैयार हो गई है। अब देखिए हम अप्लाई करके देखते हैं, इसको सेव नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखिए फोटो को ओपन करेंगे और यहाँ पर जाएंगे 6 फोटो, यहाँ से जो हमारा प्ले है वो प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से आप वन क्लिक के अंदर 6 फोटो का एक्शन हमारा बन गया है। इसी तरह हम देखिए एक 10 फोटो का एक्शन बनाएंगे। मान लीजिए आपके स्टूडियो पे 10 फोटो देने हैं आपने क्लाइंट को, तो देखिए हम यहाँ से सबसे पहले ओपन कर लेंगे फोटो को, हमने क्रॉप कर लेना, साइज वगैरह दे देना है, कलर कम्युनिकेशन। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे जाएंगे और न्यू एक्शन करेंगे। अब हमने जो हमारा एक्शन बनाया था, देखिए पासपोर्ट फोटो एक्शन, उसी के अंदर देखिए बनाएंगे हम 10 फोटो, लिख देंगे यहाँ पे टाइप करेंगे 10 फोटो। हम F10 कर लेंगे या F2 कर लेंगे, F2 कर लेंगे और यहाँ से देखिए रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरह हम फोटो को कॉपी करेंगे, कंट्रोल A से कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और कंट्रोल W से क्लोज कर देंगे और कंट्रोल N से नया पेज लेंगे। आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, फाइल में, न्यू में, और अब की बार हम देखिए साइज वही रखेंगे 11, ओके करेंगे। इसके बाद देखिए कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे। अब हमारे 6 लगेंगे ऐसे फोटो, अगर हमने 10 लगाने हैं तो हम इसको वर्टिकल से हॉरिजेंटल कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और इधर से हम रोटेट 90 डिग्री कर लेंगे, ओके करेंगे। देखिए ऐसे सेट कर लेंगे, इसके नीचे कॉपी लेके आएंगे और इसी तरह हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेयर 1 देखिए सेलेक्ट हो गई हमारी, कंट्रोल ई से मर्ज कर लेंगे इस तरह से। सिर्फ आपने एक बार करना है, उसके बाद हमारा एक्शन बन जाएगा आप ओनली वन क्लिक के अंदर। और ये एक्शन जो हमारे बनेगा उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत है तो। इस तरह से देखिए ये हमारा बन गया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे नहीं तो ये कटेगा, ओके करेंगे। तो इस तरह से देखिए इसको भी हम यहाँ से रिकॉर्डिंग जो हम यहाँ से स्टॉप कर देंगे, देखिए नीचे लिखा गया स्टॉप प्लेइंग रिकॉर्डिंग, यहाँ से हम बंद कर देंगे। अब ये हमारे आप चाहे तो कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिंट नहीं करूँगा। यहाँ से देखिए इस तरह से ओपन कर लेंगे
और हमने जो अभी 10 फोटो का एक्शन बनाया था, ये 6 फोटो का है और ये 10 फोटो का है, और यहाँ से हम प्ले कर देंगे। तो देखिए ओनली 1 क्लिक के अंदर हमारे 10 फोटो बन रेडी हो गए, लग चुके हैं। इस तरह से आप A4 साइज की पासपोर्ट शीट भी बना सकते हैं, और उसके अंदर आप चाहे तो 50 फोटो 45 फोटो की जो भी है। देखिए ये हमने एक स्टूडियो के अंदर कैमरे से खींचा हुआ फोटो है, इसकी हम एक पासपोर्ट A4 साइज की शीट बना के दिखाएंगे और उसका साथ में एक्शन भी बनाएंगे। तो हम क्रॉप कर लेंगे, साइज रखेंगे हम वही 1.2 1.5, और देखिए इस तरह से बाहर शोर शराबा हो रहा है, शायद आपको नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ से ओके करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और स्ट्रोक दे देंगे इसके अंदर, अल्टर ई एस से 4 का ओके करेंगे, और इसको भी हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस से हम सेव कर लेंगे इसको। दोस्तों आपने कलर कम्युनिकेशन जो रिटच वगैरह करके इस तरह से सेट कर लेना अपने फोटो को साइज सुइज देके, और कंट्रोल एस कर देना है। देखिए अभी हमारा साइज क्रॉप कर लिया हमने और सेव कर लिया है इसको। तो इस तरह से आपने इसका जो वाइड बैलेंस कलर कम्युनिकेशन रिटच वगैरह कर लेना है। इसके बाद देखिए हम एक्शन में जाएंगे और एक पासपोर्ट A4 साइज की शीट बनाएंगे। उसके लिए हम फिर दोबारा वही न्यू सेट न्यू एक्शन में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे पासपोर्ट फोटो, और यहाँ पर लिखेंगे A4 साइज 45 फोटो, और ओके कर रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद देखिए हम रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू से इसको क्लोज कर देंगे, और कंट्रोल एन से एक नया पेज लेंगे और यहां से हम साइज लेंगे 12 8 और ओके करेंगे। इसके बाद देखिए हम कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने भी कर लेना है। अब इसकी हम कॉपी करेंगे, अल्टर शिफ्ट को मैं दबाए रखूंगा, और फोटोशॉप PS3 है मेरे पास, CS3। तो शायद आपका CC वगैरह में अल्टर ओनली अल्टर प्रेस करने से ही कॉपी हो जाएगी। इस तरह से देखिए कॉपी कर लेनी है इसकी, हमने लगा दिए 3 6 3 9। इसके बाद देखिए हम यहां से शिफ्ट दबाएंगे और नीचे वाली लेयर पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और कंट्रोल ई से मर्ज कर लेंगे। अभी इसकी एक लेयर बन गई हमारे पास। कंट्रोल टी से देखिए इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, और इस तरह से हम अल्टर शिफ्ट दबाएंगे और ऐसे नीचे की तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से हमारी कॉपी कर लेंगे हम इस तरह, देखिए इस तरह से कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखिए ऊपर वाली पे क्लिक करेंगे और नीचे वाली शिफ्ट दबाएंगे, नीचे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ई से मर्ज कर लेंगे, और इस तरह से देखिए कंट्रोल टी से, तो इस तरह से देखिए इस तरह से 45 फोटो हमारे लग चुके हैं। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे और यहाँ से हम रिकॉर्डिंग जो हमारी स्टॉप कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों प्ले करके हमारा एक्शन बनकर तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो हम वही फोटो ओपन कर लेंगे, आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, चाहे इस पे भी कर सकते हैं। देखिए हम दोनों पर अप्लाई करके देखेंगे, 45 फोटो प्ले करेंगे। देखिए दोस्तों ओनली 1 क्लिक के अंदर, अब चाहे आपके पास जितने भी फोटो है, जो भी फोटो है, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए इस तरह से आप अपने काम को आसानी से और टाइम की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, आशा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
धन्यवाद।